हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए गेहूं के आटे और आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूं। आप समोसा कचौरी खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आइए बनाते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, मोयन के लिए इसमें 1.5 चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। ऑयल से क्या होगा ना कि नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और खास्ता बनेगा। मिला लेने के बाद इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे का डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें डो लगा लेना है। और यहाँ पर देखिए डो बन गया है। डो लगा लेने के बाद ना इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग्स बना लेते हैं। तो स्टफिंग्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के आलू को उबालकर कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से आप चाहे तो आलू को मिस कर भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ ना रहे। साथ में ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच इसमें जीरा मरीच का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। इससे ना नाश्ता बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनेगा। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे चिली रेड मिर्च पाउडर। साथ में ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। साथ में ही इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इन सभी मसाले को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मसाले को हाथों से ही मिलाएं, इससे क्या होगा ना कि आलू में सारा मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा। मिला लेने के बाद ना इसे साइड में रखेंगे और आटे का डो ले लेंगे। और यहाँ पे आटा का डो सेट हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से एक बार मिला ले। मिला लेने के बाद ना इसे 2 भागों में इस तरह से तोड़ लेंगे और दोनों का हमें चिकना लोई बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से दोनों लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई बना लेने के बाद ना लोई के दोनों साइड में सूखा हुआ आटा लगा लेंगे ताकि जब इसे बेले तो ये बेलन में चिपके ना। और इसे ना हमें बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा मोटा नहीं, पतला ही रोटी को रखेंगे और इस तरह से पतला रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। रोटी बेल लेने के बाद ना जो हमने आलू का मसाला बनाया है उस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और रोटी के ऊपर इस तरह से रख कर अच्छी तरह से फैला लेना है। तो मसाले को अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैलाएं, मसाले को भर के लगाए ताकि नाश्ता खाने में टेस्टी और चटपटा लगे। मसाले को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद ना साइड में इस तरह से पकड़ेंगे और अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए थोड़ा प्रेस करते हुए इसे फोल्ड करें। फोल्ड कर लेने के बाद ना साइड से अच्छी तरह से चिपका लेना है ताकि इसमें से स्टफिंग्स बाहर ना निकले, ऊपर से भी अच्छी तरह से चिपका ले। चिपका लेने के बाद ना इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी पर मैंने काट लिया है। आप चाहे तो आप अपने अनुसार इसकी साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद ना एक नाश्ते के पीसेस को लेंगे और साइड से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद तरहती से प्रेस करते हुए टिक्की का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह से सारे नाश्ते को बनाकर सेट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए सारा नाश्ता बन गया है। अब इसके लिए हमें घोल बनाना है। घोल बनाने के लिए एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/4 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच रिफाइन ऑयल और इन सभी को मिला लेना है। तो यहाँ पे आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं।
मिला लेने के बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मैदा का हमें घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, वरना क्या होगा कि मैदा में गुठलियाँ पड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और पतला घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो कुछ इस तरह से घोल को बनाना है, ये देखिए सेम इसी तरह से पतला घोल बना लें। घोल बना लेने के बाद एक नाश्ते के पीसेस को लेंगे और इस तरह से बैटर में डिप करेंगे और दोनों साइड से बैटर को लगा लेंगे। अब इसे हमें फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो एक एक करके इसमें नाश्ते के पीसेस को डालेंगे। तो एक बार में जितना आ सके उतने नाश्ते को डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को फ्राई करना है। रखते ही तुरंत ना पलटे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो एक एक करके इन सभी नाश्ते को पलट देना है। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो नाश्ते को उलटते पलटते हुए दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। और यहाँ पे नाश्ते को फ्राई करते हुए 4 मिनट हुआ है और नाश्ता दोनों साइड से बढ़िया से फ्राई हो गया है। कलर देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। तो अब हमें इसे छानकर निकाल लेना है। निकालते वक्त थोड़ा टेढ़ा करके निकालें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। सारे नाश्ते को निकाल लेने के बाद ना सेम प्रोसेस से बचे हुए नाश्ते को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और नाश्ता देखने में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना पसंद है तो इस नाश्ते को बनाकर गर्मा गर्म चाय या टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे ना तो यकीन माने ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस नाश्ते को बनाकर ट्राई करें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।